बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम सजिटेरियस पुरजकोस। सजिटेरियंस, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आपका बिजनेस, मोहब्बत के मामलात, शादीशुदा जिंदगी, डोमेस्टिक लाइफ, हेल्थ, इन सब मामलात पर हम बात करेंगे कि दिसंबर के महीने में इन तमाम सेक्टर्स में एनर्जीज कैसी रहेंगी। अब देखिए, दिसंबर के महीने में मरकरी की एनर्जीज आप लोगों को बहुत अच्छी मिलेंगी और काम की जगह पर मामलात बहुत अच्छे हो जाएंगे। कारोबार कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको बड़े फायदे होंगे। उसके बाद वीनस देखिए, बहुत अच्छा है आप लोगों के लिए। वीनस आप लोगों के बड़े फायदों वाले घर में है, 11th हाउस में है। उसके बाद जुपिटर, बहुत अच्छी नजर है और यहाँ पर वीनस आप लोगों के लिए एक राज योग भी बना रहा है। तो ये जो दिसंबर के महीने में एनर्जीज आप लोगों के लिए बन रही है, ये बड़ी जबरदस्त है। मार्स की एनर्जी बहुत अच्छी है। मार्स आप लोगों के लिए एक नई ताकत लेकर आएगा, आप लोगों के अंदर एक नई जुस्तजू पैदा करेगा। तो अगर हम सबसे पहले करियर को देखें तो वो तमाम लोग जो बेरोजगार हैं उनके लिए तो ये वक्त बहुत अच्छा रहेगा। अगर अब दिसंबर के महीने में आप अपनी कोई ड्रीम जॉब के लिए कोशिश करते हैं तो आपको आपकी मर्जी के मुताबिक कोई एक अच्छा बेहतर रोजगार मिल जाएगा। कोई ऐसी जॉब मिल जाएगी कि जिस जॉब के लिए आप कोशिशें करते आ रहे थे, तो आपके ख्वाबों के मुताबिक आपको कोई जॉब मिलती हुई नजर आ रही है। तो पहले 3 हफ्ते तो बेरोजगार लोगों के लिए बहुत अच्छे हैं। और अगर आप कारोबार कर रहे हैं, अपने मौजूदा कारोबार को बढ़ाना चाहते हैं, फैलाना चाहते हैं, नई इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, नई दुकानें खोलना चाहते हैं, नई ब्रांचेस खोलना चाहते हैं, तो ऐसे तमाम कामों के लिए पहले 3 हफ्ते बहुत अच्छे रहेंगे। आप अपने कारोबार को बढ़ा सकते हैं, फैला सकते हैं। और ये वक्त ऐसा है, इस वक्त अगर आप मेहनत करेंगे तो उसके रिजल्ट भी बहुत अच्छे आएंगे। अक्सर ऐसा होता है कि आप लोग किसी खास काम में मेहनत करते रहते हैं लेकिन उसके रिजल्ट नजर नहीं आते। तो अब 15 दिसंबर के बाद सूरज की एनर्जी बहुत अच्छी हो जाएगी। मार्स का बड़ा जबरदस्त आपको इम्पैक्ट पड़ेगा और उसकी वजह से आपके कामों में बड़ी तेजी भी आएगी। आप लोग वैसे भी बड़ी लगन के साथ, मेहनत के साथ काम करेंगे और आपको कामयाबियां भी आसानी से मिलेंगी। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी खास काम में मेहनत करें और आपकी मेहनत जाया हो जाए। तो मेहनत का फल भी मिलता हुआ नजर आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर आपने माजी में किसी खास काम में मेहनत की है, फर्ज करें आप कोई कारोबार कर रहे हैं, कोई दुकान चला रहे हैं, तो आप एक अरसे से दुकान कर रहे हैं लेकिन उसका फायदा नजर नहीं आ रहा था, तो दिसंबर के महीने में आपको अपने इस कारोबार में भी फायदा होता हुआ नजर आना शुरू हो जाएगा। आप बेहतरी देखेंगे, काम की जगह पर आपकी इज्जत में इजाफा होगा, नए नए लोगों के साथ आपके ताल्लुकात बनेंगे, आप लोग वैसे भी बड़े जोश जज्बे के साथ काम करेंगे, तो काम की जगह पर आप लोगों के अंदर भी एक एनर्जी रहेगी और कुदरत की तरफ से भी आपको सपोर्ट मिलती रहेगी, एक गैबी मदद आपके साथ रहेगी इंशाल्लाह। और इसके बाद अगर हम रिश्तों को देखें, खास तौर पर मोहब्बत के मामलात को देखें, तो अगर तो आप किसी को पसंद करते हैं और शादी करना चाहते हैं तो अपनी पसंद की शादी या लव मैरिज करने के लिए दिसंबर का महीना बहुत अच्छा टाइम है। और अगर आप किसी को दिल ही दिल में पसंद करते हैं, बता नहीं पा रहे, प्रपोज करना चाहते हैं, तो उसके लिए भी दिसंबर का महीना अच्छा रहेगा, आप प्रपोज कर सकेंगे। क्योंकि यहां पर वीनस आप लोगों के लिए एक राज योग बना रहा है। और वीनस क्या है? मोहब्बत का प्लेनेट है, दौलत का सैयारा है और ये आपके 7th हाउस में राज योग बनाएगा, तो उस वजह से आपका अपनी फैमिली के साथ भी ताल्लुक बेहतर होगा। अगर आप फैमिली बनाना चाहते हैं तो भी यह वक्त अच्छा है। वो तमाम लोग जो बे औलाद हैं, औलाद की इंतजार में हैं, तो भी ये वक्त आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है, आपको इस ड्यूरेशन में औलाद की खुशखबरी मिल सकती है। और वो तमाम लोग जो कहीं सफर करना चाहते हैं, किसी दूसरे मुल्क का सफर करना चाहते हैं या सैर व तफरीह के लिए जाना चाहते हैं, आपके लिए मशवरा है कि दिसंबर के आखिरी हफ्ते में ऐसा कोई प्लान कीजिएगा। अगर आप गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं तो आप सरकारी किसी दौरे पर जा सकते हैं, गवर्नमेंट किसी ऑफिशियल टूर पर जा सकते हैं। और ये जो आप सफर करेंगे, इस सफर में आपको बहुत फायदा होगा। और खास तौर पर वो तमाम लोग जिनका काम कारोबार कुछ ऐसा है कि उन्हें अपने काम कारोबार के सिलसिले में सफर करना पड़ता है, तो ऐसे तमाम सफरों से आपको फायदा होगा। जिस मकसद के लिए सफर करेंगे उस मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी इंशाल्लाह। और हाँ, दिसंबर के महीने में आप लोगों को एक एहतियात भी करनी है।
अब यह है कि आप लोग खुद सच्चे हैं, सच बोलते हैं। सजिटेरियंस का मसला यह है कि ये झूठ बोले तो भी पकड़े जाते हैं, ये झूठ बोल ही नहीं सकते। बड़े सादे लोग होते हैं, सीधी साफ खरी बात करते हैं, खुद भी खुश रहते हैं, दूसरों को भी खुश रखते हैं। तो दिसंबर के महीने में कोई एक तेज चालाक शातर किस्म का बंदा आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है, धोखा दे सकता है। तो आपने पैसों के मामलात में भी मोहतात रहना है, क्योंकि आप लोगों की आमदन बेहतर हो रही है, नए कारोबारी ताल्लुकात बन रहे हैं, प्रमोशंस हो रही हैं, तो बड़ा एक जबरदस्त माहौल बन रहा है। तो जब आपकी तरक्की हो रही है, मामलात बेहतरी की तरफ जा रहे हैं, फाइनेंसिस बेहतर हो रहे हैं, तो कुछ लोग आपको धोखा देने की कोशिश भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों से आपने होशियार भी रहना है। और इसके अलावा दिसंबर के महीने में आप कुछ नया सीखने की कोशिश भी कर सकते हैं। अगर आप करते हैं तो आपको फायदा ही होगा। जैसे अगर आप कोई जॉब कर रहे हैं तो अपने काम के हवाले से, काम की मुनासिबत से आप कोई नया कोर्स कर सकते हैं, कोई नया हुनर सीख सकते हैं, नया इलम सीख सकते हैं, नई स्किल्स सीख सकते हैं। या वो तमाम स्टूडेंट्स जो कोई लैंग्वेज के स्टूडेंट हैं, कोई फॉरेन लैंग्वेज सीख रहे हैं, उनके लिए भी यह वक्त बहुत अच्छा है। तो आप लोगों के अंदर सीखने की जो एक ताकत है वो भी बहुत ज्यादा रहेगी। बड़ी आसानी से नई चीजें सीख सकेंगे, नए मामलात को समझ सकेंगे, आप लोग बड़े जहीन रहेंगे। और वो तमाम लोग जो स्पोर्ट्स में हैं, आप कोई भी गेम खेलते हैं, तो ये महीना आप लोगों के लिए बहुत अच्छा रहेगा। दिसंबर के महीने में आप लोग जितना एक्टिव रहेंगे, आप लोग उतना डोमिनेट रहेंगे, उतना आप छाए रहेंगे। आप चाहे जॉब कर रहे हैं, कारोबार कर रहे हैं, स्पोर्ट्स में हैं, या किसी ट्रैवल इंडस्ट्री में हैं, तो आप लोग इन सेक्टर्स में जितना एक्टिव रहेंगे, जितना एक्टिवली परफॉर्म करेंगे, उतने आपके नए ताल्लुकात बनेंगे, उतने ज़्यादा आप फायदे उठा सकते हैं। और वैसे भी आप लोगों की पर्सनैलिटी के अंदर एक गालिब अंसर रहेगा, आपकी शख्सियत दूसरों पर हावी रहेगी। तो ओवरऑल ये जो दिसंबर का महीना है, आप लोगों के लिए इंशाल्लाह एक बहुत ही अच्छा महीना रहने वाला है। और हाँ, अगर आपका थाना कचहरी में कोई केस चल रहा है या कोई अदालती मामला चल रहा है, तो वो मामला भी आप लोग बड़ी समझदारी के साथ निपटा लेंगे। और अगर उस केस का फैसला आता है तो वो फैसला भी आपके हक में आता हुआ नजर आ रहा है। और वैसे भी दिसंबर के महीने में आप लोगों की सेहत तो इंशाल्लाह अच्छी रहेगी, सेहत के हवाले से ऐसा कोई मसाला नजर नहीं आ रहा। और फाइनेंसेस बहुत अच्छे हो रहे हैं, प्रॉफिट बढ़ रहे हैं, फ्लो ऑफ इनकम अच्छा हो रहा है, और आप लोग एक्सपेंसेस भी बड़ी समझदारी के साथ करेंगे। तो ओवरऑल दिसंबर का महीना आप लोगों के लिए इंशाल्लाह ताला एक बहुत ही अच्छा खुशगवार महीना रहता हुआ नजर आ रहा है। बड़े एनर्जेटिक रहेंगे, तो ओवरऑल मामलात बहुत अच्छे रहेंगे, खुशियों वाला महीना रहेगा। तो दुआ है अल्लाह आप लोगों की जिंदगियों में मजीद कामयाबियां लेकर आए, खुशियां लेकर आए, खुशहालियां लेकर आए। और जाते जाते वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, इन्फो चंक्स को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।